नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन लेके। दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। बीएड वाले कैंडिडेट्स इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, और बाकी कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके लिए बगैर बीएड वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कौन कौन से पद हैं, कौन कौन कब से कब तक इनके लिए आवेदन कर सकता है, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, और सभी की अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सभी पदों की, तो वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए उसके लिए आप वीडियो शुरू से लेके और आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस प्रकार से है, 2/1/2020 को ये जारी किया गया है। पब्लिक नोटिस स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT के लिए रिक्रूटमेंट आई है। बड़ी ही अच्छी वैकेंसियाँ हैं, कुल पद 158 है। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है, पर सैलरी इसमें बड़ी ही अच्छी बढ़िया सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। जहाँ तक वैकेंसियों की डिटेल है, हिंदी के लिए वैकेंसियां हैं 10। पोस्ट का नाम आप देखिए, रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है, स्पेसिफिक रिसोर्स पर्सन पोस्ट का नाम है। हिंदी के लिए 10 हैं, इंग्लिश के लिए 20 पोस्ट, मैथ्स के लिए 20, साइंस के लिए 20, सोशल साइंस के लिए 50, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 10, आर्ट्स के लिए 10, म्यूजिक के लिए 8, कंप्यूटर एजुकेशन एंड कंप्यूटर एडेड लर्निंग के लिए 10 वैकेंसियाँ। तो टोटल 158 पोस्ट हैं। जर्नल के लिए 80, ओबीसी के लिए 43, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 12 वैकेंसी हैं, इसमें रिजर्व है। और जहां तक इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन A+B, ए में है कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% अंकों के साथ, जो कि है इस प्रकार से, हिंदी के लिए हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% अंकों के साथ, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में, और साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनी अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट। सोशल साइंस के लिए इकोनॉमिक्स में, या फिर हिस्ट्री, या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए MPED या MPE आपके पास होना चाहिए। आर्ट्स के लिए फाइन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, म्यूजिक के लिए म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर एजुकेशन एंड कंप्यूटर एडेड लर्निंग में मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद PGDCA और BTech इन कंप्यूटर साइंस, तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो ये नीचे वैकेंसियाँ दी गई हैं, सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9, तो इनके लिए तो बीएड की आवश्यकता भी आपको नहीं है। बाकी जो ऊपर वाली वैकेंसियां हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस की, तो इनके लिए आपके पास बीएड होनी आवश्यक है। देख लीजिए, आगे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिग्री इन एजुकेशन बीएड एक्सेप्ट फॉर पोस्ट मेंशनड एट सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9, जो मैंने अभी आपको बताई, इनके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। और कम से कम 5 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपको NCT के ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में एक्सपीरियंस है टीचिंग का 5 साल का, और अगर आपने MED कर रखी है तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। MED वालों को छूट है एक्सपीरियंस में। मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल, और जो सैलरी आपको इसमें मिलेगी, सैलरी है 50,798 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी है। अभी जो डेट बताई जा रही है 31/3/2020 तक के लिए बताई जा रही है, पर इनको आगे बढ़ाया जा सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है कैंडिडेट्स की। तो सैलरी बड़ी ही बढ़िया दी जा रही है 50,798। ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए अप्लाई करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ दी गई है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज होंगी, और भी बाकी यहाँ कंडीशंस हैं, ये देख लीजिएगा। ऊपर वाले मैं आपको बता देता हूँ। द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और नॉट हैविंग डिग्री इन एजुकेशन बीएड विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बीएड के साथ, या फिर बीएड की डिग्री नहीं है, तो आप इनके लिए आवेदन न करें। बिल्कुल साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ऑनलाइन मोड में ही आपको इनके लिए अप्लाई करना है। 13/1/2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 27/1/2020 तक जारी रहेगा। edudel.nic.in ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे जाके आपको इनके लिए अप्लाई करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इससे जुड़ी हुई अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।